शुरुआत 25 बड़ी खबरों से। वायनाड में स्मृति ईरानी का रोड शो शुरू। कहा, मैं वहां से आई जहां 50 साल गांधी परिवार का राज रहा। मोदी राज में लोगों का भला हुआ। रोड शो के बाद बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के नामांकन में भी शामिल होंगी स्मृति ईरानी। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के जमुई में करेंगे चुनाव प्रचार। बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। बिहार में रैली से पहले पीएम मोदी ने कहा, लोकसभा चुनाव में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण। बिहार की जनता सभी एनडीए उम्मीदवारों को जिताएगी। सीएम नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट से जमुई के लिए रवाना। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर रहेंगे मौजूद। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम के बिहार दौरे पर बयान। बिहार की 4 सीटों पर विशुद्ध परिवारवादी उम्मीदवार। बीजेपी देश की सबसे बड़ी परिवारवादी वंशवादी पार्टी है। जमुई के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम। कूच बिहार में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम ममता बनर्जी की भी आज चुनावी रैली। कूच बिहार में ही जनसभा को संबोधित करेंगी। पीएम और ममता के रैली स्थल में सिर्फ 25 किलोमीटर का फासला। आज से 2 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 4 रोड शो और पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक है आज। 1 अप्रैल को हुई थी पहली बैठक। मथुरा से हेमा मालिनी पहुंची, थोड़ी देर में करेंगी नामांकन। मथुरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के नामांकन में होंगे शामिल। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। विवादित बयान पर रणदीप सुरजेवाला की सफाई। मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। हेमा मालिनी का सम्मान करता हूं। नवनीत राणा आज नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंची नवनीत राणा। संजय निरुपम का कांग्रेस पर फिर से हमला। इस्तीफा देते ही पार्टी से निकाला। कांग्रेस की तेजी देखकर हैरान। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का इस्तीफा। गौरव वल्लभ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी। कहा, कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही। पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े पप्पू यादव। आज दाखिल करेंगे नामांकन। जौनपुर में आचार संहिता का उल्लंघन करते दिखे बीजेपी कैंडिडेट शंकर सिंह। प्राइमरी स्कूल में पार्टी को वोट देने का आग्रह किया। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता कुमारस्वामी का आज नामांकन। नामांकन से पहले लिया माता पिता का आशीर्वाद। एचडी कुमारस्वामी मांड्या से है कैंडिडेट। कांग्रेस नेता चरण दास महंत ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। कहा, हमें सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। चरणदास महंत के बयान पर बीजेपी हमलावर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पोस्टर जारी कर कहा, मैं हूं मोदी का परिवार, पहले लाठी मुझे मारो। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से मिलने की मांग के लिए वक्त मांगा। आज केजरीवाल से मिलने दिल्ली आएंगे भगवंत मान। दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले में चार्जशीट में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान। सभी आरोपियों को समन जारी किया। आज होगी सुनवाई। जेल से छूटने के बाद संजय सिंह ने की हनुमान मंदिर में पूजा। मंदिर में पूजा करने के बाद राजघाट जाएंगे संजय सिंह। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज सुनवाई। हिंदू पक्ष के वकील आज रखेंगे अपना पक्ष।